बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास ये अब बौखला गए हैं। ये जो हम लोगों ने इन विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से हम लोगों ने अंतिम आज यहाँ योजनाएं लागू करने का काम किया, तो ये अपनी जमीन खिसकती देखकर ये सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता इन्हें नहीं मिलेगी। जनता आप सब समझते हैं। उनका कहना है कि आप ही लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो जनता जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ देख रही है। इन्हें कभी ये कोई मुद्दा उठाते हैं, कभी 60-40 मुद्दा उठाते हैं, कभी और कोई, ये कभी विकास की बात नहीं करते हैं, जनहित की बात नहीं करते हैं। ये सीधा ये जनता को गुमराह करते हैं और हम जनता के हितों का की बात करते हैं। हम ऐसी ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं कि इनके कलेजे पर सांप। ये जो जनता है जो कहीं उठाते नहीं हैं, 500 खाली हल्ला करते रह गए, अभी जो 25 है ना, अभी 12 पर आ जाएंगे सर। साढ़े 4 वर्षों में रोजगार विकास का बेमिसाल झारखंड सरकार में हुआ है। इन लोग पास कौन सा उपलब्ध है? डबलिंग की सरकार थी, अभी भी सरकार दिल्ली में क्या काम हुआ? गांव देहात में बताइए, कहा काम गरीब के लिए कोई काम? कोई आम आवाम गरीब के, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम किया है? तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। कोई बांग्लादेशी घुसपैठी कोई मुद्दा नहीं है, इन लोग चुनावी स्टैंड नहीं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।